Now next ही प्रोग्राम how to removing all occurrences of a consonant from a given string. इस अगर आपके पास कोई भी string available होता है, string में से आपको remove क्या कराना है? All consonant characters. Clear? सबसे पहले इस केस में आपको पता होना चाहिए consonants के respect में consonant किसका part है? Part of alphabets. लेकिन alphabets कितने types के? Maybe upper case alphabets और lower case alphabets. तो total alphabets कितने हैं? 52 अल्फाबेट, 26 लोअर केस अल्फाबेट्स एंड 26 अपर केस अल्फाबेट. मैं ऑपरेशंस केवल किसी पर्टिकुलर केस के लिए अप्लाई नहीं करके दोनों केस के लिए अप्लाई कर रहा हूं, इन बोथ लोअर केस एज वेल एज अपर केस. देन सबसे टोटल अल्फाबेट्स कितने? 52. लेकिन 52 अल्फाबेट्स में से 42 अल्फाबेट्स कैसे? कंसोनेंट कैरेक्टर्स एंड 10 कैरेक्टर्स कैसे होंगे? वोवेल्स. मींस इस केस में आपको रिमूव क्या कराना है? कंसोनेंट एंड वोवेल बोथ और ओनली कंसोनेंट. Only consonant. तो total consonants की बात करें, total consonants means total characters कितने हैं? 52. Out of them means 52 क्या है? Alphabets. लेकिन इन alphabets में से consonants कितने होंगे? 42 consonants and vowels कितने हैं? 10 vowels. 5 lower case vowels and 5 upper case vowels. A E I O U. तो total vowels कितने? 10. तो consonants कितने? 52 minus 10 is 42. तो इस केस में every time जब string में से जब भी string के अंदर आप किसी consonants को remove करना चाहो तो सबसे पहले आप check करोगे current position का character क्या है. अगर current position में consonant found हो रहा then only आपको remove operation apply करना है. Otherwise no action. तो इस केस में consonants को check करने के लिए भी check करना, check the given character CH इज कंसोनेंट और नॉट. तो इसके इसमें इफ के अंदर कंडीशंस कितने अप्लाई करोगे? मीन सीएच को सबसे पहले किससे मैच कराओगे? कैपिटल बी और सीएच इक्वल इक्वल स्मॉल बी और ऑल रेस्ट ऑफ द 40 कंसोनेंट्स. इस तरह से टोटल आपको कंडीशंस कितने मैच करने होंगे कंसोनेंट्स के रिस्पेक्ट में? 42 कंडीशंस. देन कोड काफी लेंदी जाएगा, काफी कॉम्प्लेक्स होगा. तो इसके इसमें 42 कंडीशंस अप्लाई न करके इसे एक एरे क्रिएट करेंगे, कैरेक्टर एरे. और इसे कैरेक्टर एरे के अंदर ओनली स्टोर क्या कराएंगे? ओनली कंसोनेंट कैरेक्टर्स. नेक्स्ट वन, स्ट्रिंग के केस में किसी भी कैरेक्टर का टाइप चेक करना है, चेक द गिवन कैरेक्टर इज कंसोनेंट और नॉट. इस टाइप को चेक करने के लिए मैं सेपरेट फंक्शन डिजाइन करूंगा. इस फंक्शन को मैं नेम प्रोवाइड करूंगा इज कंसोनेंट. इसे एवरी टाइम ऑपरेशन से अप्लाई करने से पहले कैरेक्टर का और ए ऑफ आई का वैल्यू चेक करेंगे. अगर ए ऑफ आई कंसोनेंट है देन इसे रिटर्न किया हुआ ट्रू. अगर ए ऑफ आई का करंट वैल्यू, ए ऑफ आई मीन्स क्या? करंट कैरेक्टर. अगर करंट कैरेक्टर अगर वो कंसोनेंट है देन आपको अप्लाई क्या करना है? शिफ्ट ऑपरेशन और रिमूव ऑपरेशन, अदरवाइज नो एक्शंस. तो इसको चेक करने के लिए या सिंपली एवरी टाइम फंक्शन क्या कॉल करूंगा? इज कंसोनेंट फंक्शन. क्लियर? देन इसके अलावा अदर फंक्शन क्या क्रिएट करेंगे? जस्ट रिमूव. रिमूव फंक्शन का एग्जैक्टली वर्किंग क्या रहेगा? रिमूविंग all occurrences of the characters, all occurrences of the consonant character. मिसेस इज कंसोनेंट फंक्शन को इंटरनली यूज कौन करेगा? रिमूव फंक्शन. मिस रिमूव फंक्शन के अंदर यूज क्या करेगा? फंक्शनैलिटी ऑफ इज कंसोनेंट. फाइनली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टोटल टू यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट करूंगा, इज कंसोनेंट और रिमूव. इज कंसोनेंट का पर्पज क्या रहेगा? चेकिंग गिवन कैरेक्टर इज कंसोनेंट और नॉट. सबसे पहले मैं फर्स्ट फंक्शन डिजाइन कर रहा हूं एज इज कंसोनेंट. इसे रिटर्न क्या कराएंगे? आइदर ट्रू और फॉल्स. इसलिए रिटर्न टाइप क्या यूज करेंगे? इंटीजर. इज कंसोनेंट देन व्हाट इज द रिटर्न टाइप? इंटीजर टाइप. आर्गुमेंट टाइप क्या यूज करेंगे? कैरेक्टर एरे और सिंगल कैरेक्टर. सिंगल कैरेक्टर क्योंकि इसके अंदर एवरी टाइम पास क्या वो कैरेक्टर पास हो जिस कैरेक्टर का टाइप चेक करना चाहते हो. तो इस केस में सबसे पहले इसे पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे केस में कंडीशंस 42 कंडीशन राइट डाउन करके सिंपली एक एरे क्रिएट करूंगा कैरेक्टर एरे. उस कैरेक्टर एरे के अंदर कैरेक्टर्स कितने असाइन कराएं? 42 कैरेक्टर्स. इस कैरेक्टर एरे सी एच इक्वल्स टू और इस एरे के अंदर एलिमेंट किस टाइप के? कंसोनेंट. कंसोनेंट कैरेक्टर. इसलिए मैं इसको नेम प्रोवाइड करना है कंसोनेंट कैरेक्टर इक्वल्स टू इस टोटल कंसोनेंट्स कितने? 42 लोअर केस प्लस अपर केस. तो लोअर केस के केस में क्या आएगा? पहले में अपर केस के सारे कैरेक्टर कंसोनेंट्स राइट करो. बी ए को राइट नहीं करोगे. ये क्या? ओवेल. बी सी डी एफ ई नहीं आएगा. जी एच आई को स्किप करेंगे. जे के एल एम नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू कर रहा हूँ. एम एम के बाद क्या आएगा? एन. ओ को स्किप कराएंगे. पी क्यू आर एस टी
B, W, X, Y and Z. Then इसके बाद remaining 21 type क्या होगा? Lower case consonants. Again, lower case consonants क्या होगा? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. क्लियर। इस फंक्शन के लिए मैं आपको कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करूंगा क्योंकि सिंपल केस है। जस्ट मीन्स जस्ट सी सी नाम से एक मैंने एरे क्रिएट किया है। एरे में एलिमेंट किस टाइप के? कंसोनेंट कैरेक्टर्स। लेकिन जो भी आप कैरेक्टर्स पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर सप्लाई करो, इस कैरेक्टर को इस एरे के सभी एलिमेंट के साथ मैच कराएंगे। और एलिमेंट्स के साथ मैच कराने के लिए या तो आप 42 कंडीशंस प्रोवाइड करोगे या फिर सिंपली सिंगल कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ फोर लूप। सभी एलिमेंट से मैच कराने के लिए इंप्लीमेंट क्या करें? फोर लूप। और फोर लूप को मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ? इटरेटिव वेरिएबल आई। तो फोर लूप के केस में जस्ट आई का इनिशियलाइजेशन क्या है? जीरो, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स। देन ये लूप कब तक चलाना है? जब तक या तो सी सी एरे का लास्ट कैरेक्टर नल फॉर्म नहीं होता या फिर सी एच का वैल्यू इसे एरे के किसी एलिमेंट से मैच नहीं हो जाता है। मीन्स जैसे ही एलिमेंट से मैच होता है नल आता है, इमीडिएटली इस लूप को स्टॉप करना है। क्लियर। देन इस केस में जस्ट टर्मिनेशन कंडीशन क्या है? सी सी ऑफ आई। अगर सी सी ऑफ आई का वैल्यू नल होता है तो इस केस में लूप स्टॉप हुआ। दूसरा कंडीशन क्या लगा सकते हो? सी सी ऑफ आई कब तक चलाना है? जब तक ये सी सी ऑफ आई मीन इस एरे का करेंट एलिमेंट जब तक सी एच के इक्वल नहीं हो जाता। जैसे ही सी एच के इक्वल होगा तो एंड कंडीशन सेकेंड केस में फॉल्स हो जाएगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है देन ओवरऑल कंडीशन कैसे होंगे? ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा इसका? फॉल्स। क्लियर। देन ये लूप स्टॉप हो जाएगा। एवरी टाइम परफॉर्म क्या कराओगे? आई प्लस प्लस। लूप को टर्मिनेट कराएंगे यूजिंग सेमी कॉलन। देन जब कंट्रोल इससे बाहर आएगा आप रिटर्न क्या कराओगे? इस कंट्रोल इस केस में जब वो इस लूप से बाहर आएगा, इसको सेमी कॉलन से टर्मिनेट किया, लूप से बाहर आएगा, इस केस में टू पॉसिबल केस होंगे। या तो सी सी या करंट एलिमेंट नल हो चुका है, इसका मतलब सारे के सारे कैरेक्टर रीड हो चुके हैं, लेकिन सी एच का वैल्यू किसी भी कैरेक्टर के साथ मैच नहीं हुआ। अगर मैच नहीं हुआ देन सी एच इटसेल्फ क्या है? नॉट अ कंसोनेंट। अगर सी एच एक कंसोनेंट होगा देन ओनली एरे के किसी एलिमेंट से मैच होगा। क्लियर। जैसे ये नॉन मैचिंग है तब तक तो एरे चलेगा, लेकिन जैसे ही सी सी मीन्स करेंट एलिमेंट और सी एच का वैल्यू सेम होता है देन इमीडिएटली फॉल्स हो जाएगा। इस केस में टू पॉसिबल केस होंगे। या तो ये नल होगा अगर सी सी ऑफ आई का वैल्यू नल हो चुका है आउटसाइड लूप, मीन्स अगर ये नल से फॉल्स हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इस कैरेक्टर फाउंड हुआ है कि नहीं हुआ है? कैरेक्टर इज नॉट फाउंड। अगर फाउंड हुआ है देन रिटर्न क्या कराओगे? जीरो। जीरो मीन्स फॉल्स। तो इस केस में जस्ट राइट डाउन क्या कर देंगे? सी सी ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू नल। इस केस में पॉसिबल रिजल्ट्स क्या होंगे? आइदर ट्रू और फॉल्स। सपोज दैट अगर आपने सी सी ऑफ आई के केस में अगर नल हो चुका है, अगर इसका वैल्यू नल है देन इसका मतलब क्या है? किसी भी कैरेक्टर से मैच नहीं हुआ। मैच नहीं हुआ देन गिवन कैरेक्टर कैसा है? कंसोनेंट और नॉट कंसोनेंट? नॉट कंसोनेंट। तो इस केस में अगर एक कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स है देन क्या आएगा? जीरो। ट्रू है देन वन। तो जीरो किस केस में आ रहा है? फॉल्स। फॉल्स किस केस में हुआ? अगर कंसोनेंट फाउंड नहीं हुआ है या सी एच मैच नहीं हुआ है। अगर सी एच किसी कैरेक्टर से मैच हुआ देन सी एच का वैल्यू ऑलवेज क्या हुआ? करंट एलिमेंट का वैल्यू क्या हुआ? नॉट इक्वल टू नल। देन रिटर्न क्या हो जाएगा? वन। देन फाइनली क्लोजिंग मीन्स अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन्स की ड्रॉन सिंपली मैंने लॉजिक्स प्रोवाइड किया। इस लॉजिक के थ्रू जस्ट टेस्ट क्या करें? चेक द गिवन कैरेक्टर इज कंसोनेंट और नॉट। नेक्स्ट केस देन फाइनली मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक्चुअल फंक्शन। तो एक्चुअल फंक्शन क्या रहेगा इस केस में? रिमूव। रिटर्न टाइप इज वॉइड। फंक्शन नेम इज रिमूव और रिमूव कंसोनेंट। आर्गुमेंट में क्या पास करो? रिक्वायर्ड कैरेक्टर एरे ए। नेक्स्ट इस केस में जस्ट सबसे पहले मैं लॉजिक डिस्कस कर रहा हूँ। लॉजिक्स के बाद फाइनली फाइंड आउट क्या करेंगे? सोर्स कोड। तो लॉजिक के रिस्पेक्ट में जस्ट बात करें मीन्स इस एरे का पॉइंटर क्या आपके पास? ए। और इंडेक्सेस को मैनेज करने के लिए यूज़ क्या करेंगे? जस्ट आई। तो सबसे पहले मैं लॉजिक से डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके जस्ट बाद सोर्स कोड प्रोवाइड करेंगे। मीन्स अगर इसके लॉजिक की बात करें, लॉजिक कैसा एग्जैक्टली? सेम है रिमूविंग गिवन कैरेक्टर फ्रॉम अ एरे। इस केस में सबसे पहले फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? आई को जीरो से सेट नहीं करेंगे। आई को सेट किस पर कराना है? फर्स्ट कंसोनेंट कैरेक्टर। क्लियर। आई को किस प्लेस पर सेट करना? फर्स्ट कंसोनेंट कैरेक्टर, क्योंकि इस केस में फर्स्ट इनिशियली टू कैरेक्टर कैसे हैं? कंसोनेंट और वोवेल्स। वोवेल्स इसके अलावा डिजिट्स भी पॉसिबल और कोई भी स्पेशल सिंबल पॉसिबल। इन दैट केस
अगर इस पर्टिकुलर केस में ए और यू क्या वोवेल्स वोवेल्स तो इनके लिए तो आपको कोई रिमूव ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कराना, मीन इनके कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हो, पोजीशन चेंज नहीं हो देन नो एक्शन। आप रिमूव ऑपरेशन किस प्लेस से स्टार्ट करोगे, फ्रॉम फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ कंसोनेंट ऑनवर्ड्स। तो फर्स्ट ऑकरेंस कंसोनेंट का किस प्लेस फॉर्म होगा, सेकेंड इंडेक्स पर। इस पर्टिकुलर आई को सेकेंड इंडेक्स पर सेट करने के लिए यूज क्या करेंगे, लूप। और लूप को मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ, इटरेटिव वेरिएबल आई। फाइनली इस केस में टू इटरेटिव वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे आई एंड जी। सबसे पहले मैं जो फर्स्ट लूप यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट लूप का पर्पज क्या है, मींस आई को कंसोनेंट की फर्स्ट कंसोनेंट की पोजीशन पर सेट करना। तो फर्स्ट कंसोनेंट की पोजीशन पर सेट करने के लिए लूप कब तक चला हुए, जब तक ए ऑफ आई का वैल्यू कंसोनेंट के इक्वल नहीं हो जाता, मींस एवरी टाइम लूप जीरो से लेकर नल तक विजिट करा हुए और एवरी टाइम ए ऑफ आई को चेक करें इज कंसोनेंट और नॉट। जैसे ये कंसोनेंट फाउंड होता है इमीडिएटली लूप को स्टॉप कराना है। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, स्ट्रिंग के अंदर कोई कंसोनेंट फाउंड ही नहीं हो रहा है, अगर फाउंड नहीं हो रहा है उस केस में ए ऑफ आई कब तक जाएगा, अप टू नल। तो टोटल पॉसिबल केस क्या हो, या तो फर्स्ट ऑकरेंस फाउंड हो जाए या फिर नल आई इक्वल्स टू जीरो, मीन्स या तो कब तक चला जब तक ए ऑफ आई नल नहीं हो जाता, या फिर एंड। एंड के केस में चेक क्या करेंगे, इज कंसोनेंट, मीन्स चेक करना है ए ऑफ आई कंसोनेंट है कि नहीं। तो इसके लिए जस्ट ऑलरेडी मैं फंक्शन क्रिएट कर चुका हूँ इज कंसोनेंट, इस प्लेस पर जस्ट कॉल क्या करें इज कंसोनेंट फंक्शन, और सप्लाई क्या करेंगे इस केस में करंट वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है इसका मतलब क्या है, ए ऑफ आई इज नॉट नल। दूसरा कंडीशन ट्रू है इसका मतलब क्या है, करेंट पोजिशन में कैरेक्टर किस टाइप का फाउंड हो रहा है, कंसोनेंट। कंसोनेंट फाउंड हो रहा था उस केस में लूप को कंटिन्यू रखना है, स्टॉप कराना है, स्टॉप कराना। तो स्टॉप कराने का मतलब क्या है, इसको फॉल्स करना। फॉल्स करने के लिए अप्लाई क्या करेंगे, नॉट कंडीशन। जैसे ही ए ऑफ आई कंसोनेंट फाउंड होता है देन इसको फॉल्स करने के लिए अप्लाई क्या करोगे, मीन कंसोनेंट फाउंड हुआ देन ये फंक्शन का रिटर्न करेगा ट्रू, और ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई क्या करेंगे, नॉट ऑपरेटर। क्लियर, देन आई प्लस प्लस चेक करने से लूप का जस्ट बिहेवियर क्या है। इस केस में करेंटली उन्हें टू वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं आई एंड जे। जैसे मीन्स फिर से याद रखना है इस लूप को इटरेट करने का जस्ट मेन पर्पज क्या है, आई को फर्स्ट कंसोनेंट पर सेट करना। क्लियर, लेकिन करंट स्ट्रिंग में तो कंसोनेंट फाउंड हो रहा है। दूसरा पॉसिबल केस क्या हो सकता है, स्ट्रिंग में कोई कंसोनेंट अवेलेबल ही ना हो, तो इसके लिए सेपरेट कंडीशन लगाए पहले फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट प्लेस पर सेट करने के लिए। फर्स्ट कंसोनेंट क्या फाउंड हो रहा है, सबसे पहले ए से मैच करेंगे देन यू को चेक करेंगे देन टी को चेक करेंगे, टी क्या कंसोनेंट देन स्टॉप करा देंगे, चेक इट। जैसे ही लूप एग्जीक्यूट होगा तो आई में क्या साइन हो जाएगा, वैल्यू एज जीरो। नेक्स्ट वन कंडीशन चेकिंग, ए ऑफ जीरो, ए ऑफ जीरो में फाउंड क्या हो रहा है, कैरेक्टर ए, और ए क्या है नॉट नल, मीन्स कंडीशन इज ट्रू, मीन्स नॉन जीरो वैल्यू ट्रू ट्रू है। देन सेकेंड केस में कॉल क्या हुआ, एज कंसोनेंट, और एज कंसोनेंट में पास क्या हुआ, ए ऑफ आई मीन्स ए ऑफ जीरो, और ए ऑफ जीरो में कैरेक्टर क्या है ए। जैसे फंक्शन में जब ए पास होगा तो फंक्शन चेक क्या करेगा, ए कंसोनेंट है कि नहीं, तो ए का वैल्यू इसे एरे के सभी एलिमेंट से मैच हुआ, कहीं भी मैच हो रहा है क्या नहीं, तो इसमें कंडीशन क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स आएगा तो रिटर्न क्या हुआ इस प्लेस पर, कॉलिंग प्लेस पर जस्ट फॉल्स। फॉल्स मीन्स जीरो, देन जीरो के साथ अप्लाई क्या होगा, नॉट, देन कन्वर्ट कैसे हो जाएगा ट्रू में, मीन्स दोनों ही कंडीशन कैसे हैं, फाइनली कंडीशन इज ट्रू, मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर इसका मतलब क्या है, कंसोनेंट फाउंड हुआ। अगर कंसोनेंट फाउंड हुआ देन आपको कंटिन्यू रखना है, देन अगेन कंट्रोल कहाँ जाएगा, बॉडी, बॉडी पार्ट एम्प्टी, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, आई में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी वन। सेम ऑपरेशन नेक्स्ट टाइम अगेन फिर से अप्लाई होंगे ए ऑफ वन के लिए, और ए ऑफ वन में करेंटली क्या फाउंड हो रहा है, जस्ट यू, अगेन यू क्या है नॉन जीरो, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन ट्रू, चेक करो यू कंसोनेंट है क्या, यू इज नॉट कंसोनेंट, क्या वोवेल, वोवेल है तो इस केस में इज कंसोनेंट फंक्शन क्या देगा, फॉल्स। देन नॉट ऑपरेटर इसको कन्वर्ट किस में करेगा, ट्रू में, दोनों ही कंडीशन कैसे हैं ट्रू, फर्स्ट भी ट्रू सेकेंड भी ट्रू। अगेन कंट्रोल कहाँ सेंड होगा, आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी नेक्स्ट टाइम टू। नेक्स्ट टाइम इस फर्स्ट टाइम आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ए को, नेक्स्ट टाइम यू को, नेक्स्ट टाइम टी को, तो चेक करो अगेन कंडीशन टेस्ट होगा, ए ऑफ टू फाउंड क्या हो रहा है, कैरेक्टर टी, टी क्या है नॉट नल। तो मैंने दोनों ही कॉम्बिनेशन यूज किए, लोअर केस एज वेल एज अपर केस। देन नेक्स्ट वन एंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन टू, देन चेक क्या हुआ, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन नॉट इज कंसोनेंट, लेकिन इज कंसोनेंट किसके लिए चेक करें, ए ऑफ टू, और ए ऑफ टू में क्या टी, चेक करो टी कंसोनेंट है कि नहीं, टी इज अ कंसोनेंट, टी कंसोनेंट है ना, मीन्स इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टी का मीन्स फर्स्ट कंसोनेंट फाउंड हो चुका है,
इस केस में फंक्शन इज कंसोनेंट टी के लिए क्या देगा, ट्रू, ट्रू मीन्स वन। फाउंड हो चुका, तो इसको स्टॉप कराने के लिए मैंने अप्लाई किया कि नॉट देन इज जीरो में कन्वर्ट कर देगा, कंडीशन बिकम फॉल्स। एंड का फर्स्ट कंडीशन ट्रू है लेकिन सेकंड फॉल्स है, लेकिन ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, देन कंट्रोल का आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप। मीन्स लूप का मेन पर्पज क्या था, वेरिएबल आई को फर्स्ट कंसोनेंट पर सेट करना। मीन्स आई के पास क्या स्टोर है, टू, और टू किसका इंडेक्स है, फर्स्ट कंसोनेंट कैरेक्टर। क्लियर। नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, अगेन चेक करो, फर्स्ट स्टेप क्या था, मीन्स आई को फर्स्ट कंसोनेंट कैरेक्टर पर सेट करना, क्योंकि रिमूव ऑपरेशन किस प्लेस से स्टार्ट करना है, फ्रॉम कंसोनेंट ऑनवर्ड। सपोज दैट इसके अंदर स्ट्रिंग क्या होता है, ओनली ए एंड यू। नेक्स्ट पार्ट क्या है, सपोज दैट नल, नल होता है, देन इस केस में ए ऑफ आई का वैल्यू क्या हो जाता है, नल, नल मीन्स जीरो, जीरो मीन्स फॉल्स। देन अगर ए और यू फाउंड करते हैं, इस केस में आपको कोई कैरेक्टर रिमूव कराने की जरूरत ही नहीं है। अगर ए ऑफ, देन इस केस में ए ऑफ आई मीन्स लूप किससे बाहर आएगा, कंट्रोल किससे बाहर आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ए ऑफ आई बिकम्स नल। अगर ए ऑफ आई का वैल्यू नल है, देन कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस केस में ऑपरेशन कब परफॉर्म करोगे, नेक्स्ट ऑपरेशन इफ ए ऑफ आई इज नॉट नल। नॉट नल चेक करने के लिए जस्ट इफ कंडीशन सप्लाई क्या करेंगे, ए ऑफ आई। अगर ए ऑफ आई का वैल्यू नल हो चुका है ऑलरेडी, तो इसका मतलब आपको मीन्स कोई कंसोनेंट फाउंड ही नहीं हुआ है, आपको रिमूव ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं। अगर ए ऑफ आई का वैल्यू क्या नॉट नल, देन कंडीशन इफ कंडीशन कैसा है, ट्रू है, नॉट नल है, देन कहीं ना कहीं कंसोनेंट फाउंड हुआ है, देन आपको ऑपरेशंस और एक्शंस परफॉर्म करने की जरूरत है। तो एक्शन क्या परफॉर्म कराना है इस केस में, जस्ट रिमूविंग फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ कंसोनेंट। तो फर्स्ट ऑकरेंस को रिमूव कराने के लिए अगेन एक और लूप यूज करेंगे जे। अभी किडनी से इस पोजिशन तक टोटल कितने कंसोनेंट फाउंड हुए, ओनली वन। जे इटसेल्फ क्या काउंट करेगा, नंबर ऑफ कंसोनेंट्स और नंबर ऑफ रिमूव्ड कंसोनेंट। इस केस में कंसोनेंट्स क्या है, टी, और टी के केस में जस्ट फर्स्ट कंसोनेंट है, जे के केस में इनिशियलाइजेशन किससे कराएंगे, वन से। नेक्स्ट टाइम मैनेज क्या करेंगे, फोर लूप, फोर जे इक्वल्स टू वन प्लस एवरी टाइम, फर्स्ट टाइम जे के केस में असाइन क्या कराओगे, नेक्स्ट कैरेक्टर मीन्स सॉरी ए ऑफ आई, आई के पास क्या है, टू, सेकेंड इंडेक्स में क्या है, कंसोनेंट, कंसोनेंट है, देन इसको रिमूव कराना। रिमूव कराने मतलब क्या, सारे के जब चेक करो, इस केस में जब टी रिमूव हो जाएगा तो इस प्लेस पर क्या फाउंड हो रहा है, ए, यू। टी को रिमूव करोगे तो टी के प्लेस पर क्या जाएगा, नेक्स्ट कैरेक्टर है, सेकेंड, टी का इंडेक्स क्या है, टू, तो सेकेंड इंडेक्स में क्या कॉपी हो जाएगा, नेक्स्ट कैरेक्टर है ओ, और ओ का इंडेक्स क्या है, थ्री। नेक्स्ट टाइम और ओ के प्लेस पर क्या कॉपी होगा, जस्ट एफ, एफ का करंट इंडेक्स क्या है, फोर, और एक कॉपी किस इंडेक्स में होगा, थर्ड में। देन इसे पर्टिकुलर इंडेक्सेस रिप्रेजेंट किससे होंगे, आई से। अगर आई का वैल्यू टू है, देन थ्री क्या है, मीन्स आई प्लस वन, मीन्स आई में आपको असाइन क्या कराना है, आई प्लस वन, और वन डायरेक्टली राइट डाउन करो, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा कंसोनेंट फाउंड होंगे, देन जस्ट डिफरेंस कितने का क्रिएट हो जाएगा, टू का। मैंने किससे करेंगे, जे से, तो प्लस वन के प्लेस पर जस्ट यूज़ क्या करेंगे, जे। फाइनल इस प्लेस पर राइट डाउन क्या करोगे, ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ आई प्लस जे। प्लस लूप कब तक चलेगा, जब तक ए ऑफ आई में नल कॉपी नहीं हो जाता। जैसे ही नल कॉपी होगा, इसका मतलब कि आगे कोई ऑपरेशंस बचे ही नहीं है या कैरेक्टर अवेलेबल नहीं। क्लियर। देन कंडीशंस, कंडीशन क्या आएगा, कंडीशन के रिस्पेक्ट में जस्ट अभी करेंटली फर्स्ट टाइम आई का मीन्स करेंटली आई का वैल्यू क्या है, जस्ट टू। इस टू के रिस्पेक्ट में जस्ट कंडीशन जनरेट कर दे। इस टी के प्लेस पर कॉपी क्या हो जाएगा, ओ। जब ओ कॉपी हुआ तो ओ के रिस्पेक्ट में इस आई का वैल्यू क्या, करेंटली टू। तो इसका मतलब क्या, ए ऑफ टू इक्वल्स टू ए ऑफ आई वैल्यू क्या है इसके, इसमें करेंटली टू, जे का वैल्यू क्या है, वन। ए ऑफ थ्री में क्या फाउंड रहा है, ओ, किस इंडेक्स में साइन होगा, ए ऑफ टू में। तो स्पेस पर फाइनली क्या आ जाएगा, जस्ट कैरेक्टर एस ओ। क्लियर। ओ कॉपी होने के बाद अब ओ के प्लेस पर क्या आएगा, एफ। लेकिन जिस प्लेस पर ओ कॉपी हुआ है, सपोज दैट ओ के प्लेस पर अगेन क्या होता है, F और सम अदर कैरेक्टर, देन इस केस में कॉपी क्या होता है, F। अरे F कॉपी हुआ तो F इटसेल्फ क्या है, अगेन कंसोनेंट। F कंसोनेंट, तो इस I के लोकेशन को अगेन आपको चेक करना होगा, I कंसोनेंट है या वोवेल है, मीन्स कंसोनेंट कॉपी हुआ, वोवेल कॉपी हुआ है। अगर कंसोनेंट कॉपी हुआ है, देन फिर से इस केस में परफॉर्म क्या कराओगे,
तर कंसोनेंट को अभी इसका मतलब टोटल टू कंसोनेंट फाउंड हो चुके हैं, टू कंसोनेंट एंड देन इंक्रीमेंट किस में हुआ, जे में। अगर वोवेल कॉपी हुआ है या अदर देन कंसोनेंट कॉपी हुआ, देन इंक्रीमेंट किस में कराएंगे, जस्ट आई में। तो इस केस में फॉर लूप के अंदर कंडीशन क्या अप्लाई करा हुए, इफ इज कंसोनेंट, इज कंसोनेंट मीन्स चेक क्या करेंगे, करेंट वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई। अगर ए ऑफ आई का करेंट वैल्यू कंसोनेंट है, देन इंक्रीमेंट किसमें कराएंगे, क्वेश्चन में, मीन्स बाय यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर इंक्रीमेंट इन जे। मीन्स इसके अंदर आई के प्लेस पर कॉपी क्या हुआ है या करंट प्लेस पर कॉपी क्या हुआ है, कंसोनेंट, कंसोनेंट अगेन फाउंड हुआ, देन जे में प्लस प्लस होगा। अगर इफ एक पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स है, अगर इससे फॉल्स रिटर्न होता है, देन इंक्रीमेंट किसमें कराओगे, आई प्लस प्लस, देन क्लोजिंग दिस लूप। फाइनली इस लूप के सारे ऑपरेशन कॉपी हो चुके हैं। आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ, क्लोजिंग रिमूव फंक्शंस। इस पर्टिकुलर केस में फर्स्ट टाइम कॉपी क्या हुआ, इस केस में आई ऑफ जे में मीन्स ओ, और ओ कॉपी हुआ देन कंडीशन में क्या रिप्लेस होगा, ओ, ओ इटसेल्फ क्या ट्रू और फॉल्स, कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है, देन पर्टिकुलर केस टेस्ट हुआ ए ऑफ आई, ए ऑफ आई में आई का वैल्यू क्या है टू, तो ए ऑफ टू में क्या है ओ, चेक करो इस केस में पास क्या हुआ, ए ऑफ टू मीन्स कैरेक्टर ओ। इस इफ इस कंडीशन के थ्रू टेस्ट क्या हुआ, ओ इज कंसोनेंट और नॉट, ओ इज नॉट कंसोनेंट, देन क्या आएगा फॉल्स, फॉल्स मीन्स जीरो, फॉल्स से आएगा, देन परफॉर्म क्या हुआ आई प्लस प्लस, देन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री। नेक्स्ट टाइम आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट, क्लियर। नेक्स्ट टाइम अब इसमें ओ तो कॉपी हो चुका, नेक्स्ट टाइम कॉपी किसको कराना है, एफ को, तो चेक करो फिर से जब अगेन लूप का कंडीशन टेस्ट होगा, तो लूप के अंदर आई के प्लेस पर आई का वैल्यू रिप्लेस करेंगे थ्री, एंड जे के प्लेस पर जे का वैल्यू वन मीन्स फोर। मीन्स थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी होने के बाद नेक्स्ट टाइम कॉपी क्या करें, फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट, किस इंडेक्स में कॉपी हुआ, फोर्थ का थ्री में, तो चेक करो फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट आसानी किस हो रहा है थ्री में। थर्ड इंडेक्स में ऑलरेडी क्या है ओ, ओ ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है, इसलिए ओ को किससे रिप्लेस करा दिया है इस केस में, जस्ट एफ, और एफ कैसा है कैपिटल, कैपिटल स्मॉल हो डजंट मैटर, क्लियर। मीन्स ओ भी कॉपी हो चुका है, एफ भी कॉपी हो चुका है, क्लियर। नेक्स्ट टाइम प्लेस पर जस्ट अभी कॉपी क्या हुआ, एफ, एफ इटसेल्फ क्या है नॉन जीरो, मीन्स कंडीशन इज ट्रू, अगेन ये फॉर लूप का कंडीशन ट्रू है, देन परफॉर्म क्या हुआ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन में जस्ट मैंने प्रोवाइड क्या किया कंडीशनल एक्सप्रेशन, तो कंडीशनल एक्सप्रेशन पहले कंडीशन चेक हुआ, इसके बेस पर इंक्रीमेंट हुआ, इस या तो आप आई में इंक्रीमेंट कराओ या फिर जे में, जे में कब इंक्रीमेंट कराएंगे, कंसोनेंट फाउंड हो रहा है, क्लियर, अदरवाइज आई में। तो इस केस में चेक कर सकते हो मीन्स फर्स्ट टाइम सेकंड इंडेक्स में क्या कॉपी हो चुका है थर्ड, और थर्ड इंडेक्स में फोर्थ एलिमेंट, नेक्स्ट टाइम अगेन फाउंड क्या हो रहा है आई का वैल्यू क्या करेंट, इस केस में कंडीशन टेस्ट करें इज कंसोनेंट ए ऑफ आई, आई का वैल्यू थ्री, और थर्ड इंडेक्स में क्या फाउंड हो रहा है एफ, एफ कंसोनेंट है क्या मीन्स ट्रू और फॉल्स, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू देन इंक्रीमेंट किस में होगा जे में, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी टू, क्लियर। इस केस में आई का वैल्यू क्या है थ्री, तो थर्ड इंडेक्स में नेक्स्ट एफ तो ऑलरेडी कॉपी हो चुका है, लेकिन थर्ड इंडेक्स में आपको कॉपी क्या करना है फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट है फिफ्थ इंडेक्स का एलिमेंट, फिफ्थ इंडेक्स का, और फोर्थ इंडेक्स में मीन्स जब इस प्लेस पर क्या जाएगा आई, और नेक्स्ट टाइम एफ के प्लेस पर क्या आएगा टी, इन दोनों केस में फोर्थ इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है टी, और टी का इंडेक्स क्या है सिक्स, या चेक कर सकते हैं दोनों के इंडेक्सेस में डिफरेंस कितने का टू का, तो इसलिए और टू किसके पास है जे के पास, जब तक वन कंसोनेंट फाउंड हुआ था डिफरेंस कितने का था पोजीशन का वन का, इसलिए जे का वैल्यू क्या था वन, जैसे सेकेंड कंसोनेंट फाउंड हुआ देन इमीडिएटली आपको सेकेंड कंसोनेंट रिमूव कराने के लिए पोजिशन में डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है टू का, तो इसलिए जे में इंक्रीमेंट किससे करा टू से, इसलिए मैंने स्पेस पर जस्ट राइट डाउन कर दिया आई प्लस जे, जे जस्ट नंबर ऑफ कंसोनेंट और इन पोजिशन के डिफरेंसेस को मैनेज करेगा। नेक्स्ट वन फाइनली इन दैट केस कंडीशन कैसा है एफ के रिस्पेक्ट में, एफ इज कंसोनेंट, कंडीशन क्या आएगा ट्रू, ट्रू है देन परफॉर्म क्या हुआ आई में इंक्रीमेंट और जे में इंक्रीमेंट, जे में इंक्रीमेंट हुआ तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट टू। नेक्स्ट वन अगेन कंडीशन टेस्टिंग इन लूप, लूप के जिसमें कंडीशन मैंने असाइनमेंट एक्सप्रेस प्रोवाइड की मीन्स पहले असाइनमेंट होगा देन ए ऑफ आई का करंट वैल्यू रिप्लेस होगा, अगर ए ऑफ आई का वैल्यू याद नल हो गया नॉट नल, तो ए ऑफ आई के केस में आई का इंडेक्स क्या अभी आई का वैल्यू क्या है थ्री, थर्ड इंडेक्स में जस्ट आसान क्या हुआ ए ऑफ थ्री प्लस जे, जे का वैल्यू क्या है टू, चेक कर सकते हो थर्ड इंडेक्स में किस इंडेक्स का एलिमेंट आसान हो रहा है फिफ्थ इंडेक्स, और फिफ्थ इंडेक्स में क्या फाउंड हो रहा है आई, असाइन किस प्लेस पर हो जाएगा थर्ड इंडेक्स में,
होना भी चाहिए था कि एफ को रिप्लेस करा क्यों, एफ क्या था कंसोनेंट और कंसोनेंट्स को जैसे स्पेस से रिमूव कराना स्पेस, इसलिए एफ के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो चुका है अगेन आई। नेक्स्ट टाइम असाइनमेंट होने के बाद इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, करंट वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई, ए ऑफ आई में करंटली आई का वैल्यू क्या है 3 और थर्ड इंडेक्स में क्या है आई, आई इज नॉन जीरो कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन टू देन आई में अभी भी इंक्रीमेंट कराने की जरूरत है क्या, नहीं, रीजन अभी जस्ट कॉपी क्या हुआ है वोवेल या कंसोनेंट, मीन्स जस्ट आई के प्लेस पर जो कैरेक्टर कॉपी हुआ है हो सकता है वो कैरेक्टर अगेन कंसोनेंट हो, तो फिर से आई के लिए चेक करेंगे, इसलिए कंट्रोल कहाँ है इस प्लेस पर अगेन ए ऑफ आई को चेक किया, ए ऑफ आई मीन्स 3 में क्या करंटली आई, आई क्या वोवेल और कंसोनेंट वोवेल, तो इज कंसोनेंट मेथड क्या देगा फॉल्स से आई में इंक्रीमेंट होगा, आई में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 4, क्लियर, आई का वैल्यू 4 होने के जस्ट बाद अगेन फिर से असाइनमेंट होगा ए ऑफ 4 इक्वल्स टू ए ऑफ 4 प्लस जे का वैल्यू क्या है 2 6, तो ए ऑफ 6 में क्या है सिक्स्थ इंडेक्स का एलिमेंट फोर्थ इंडेक्स में कॉपी हुआ, सिक्स्थ इंडेक्स में क्या है जस्ट टी, ये कॉपी किस प्लेस पर हुआ फोर्थ इंडेक्स में आसानी क्या हो जाएगा जस्ट टी, चेक करो इस केस में वोवेल कॉपी हुआ है कंसोनेंट कॉपी हुआ तो अगेन आई में इंक्रीमेंट कराने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि आई अभी भी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है कंसोनेंट को, जब तक करंट कंसोनेंट रिमूव नहीं हो जाए आई इटसेल्फ और आई के लेफ्ट पार्ट में ऑलवेज क्या होना चाहिए ओनली वोवेल्स और अदर देन कंसोनेंट, देन इस केस में जस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन में कंट्रोल जाएगा, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अगेन चेक करेंगे ए ऑफ आई, आई का वैल्यू 4 है फोर्थ इंडेक्स में क्या है टी इज कंसोनेंट और नॉट, टी इज कंसोनेंट फंक्शन क्या रिटर्न करेगा ट्रू के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट किसमें होगा जे में, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में जस्ट 3, आई में कोई चेंज हुआ है क्या, नहीं, क्यों आई अभी भी किसको रिप्रेजेंट करा सेम प्लेस, नेक्स्ट टाइम जो असाइनमेंट होगा ए ऑफ आई का वैल्यू क्या है 4, तो ए ऑफ फोर्थ इंडेक्स में जस्ट आसानी क्या हो जाएगा ए ऑफ 4 प्लस जे वैल्यू इज 3 मीन 7 इंडेक्स का एलिमेंट किस इंडेक्स में कॉपी हो रहा है फोर्थ इंडेक्स, और 7 इंडेक्स में क्या नल आसान किस में होगा फोर्थ में, तो स्पेस पर मीन्स अगेन टी किससे रिप्लेस हो जाएगा नल से, जैसे नल कॉपी होगा तो स्पेस पर ए ऑफ आई का करंट वैल्यू का रिप्लेस होगा असाइनमेंट के बाद जस्ट नल, और नल मीन्स 0 मीन्स कंडीशन बिकम फॉल्स है, कंट्रोल कहाँ जाएगा आउटसाइड लूप, यहाँ आपको ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं है। नेक्स्ट वन कंट्रोल जब लूप के बाहर जाएगा चेक कर सकते हो, लूप से बाहर जाने से पहले नल के लेफ्ट हैंड पार्ट में जितने भी आपको कैरेक्टर्स हो रहे हैं इन कैरेक्टर्स में कहीं भी आपको कंसोनेंट्स हो रहा है क्या, नहीं, क्यों कंसोनेंट सारे के सारे रिमूव हो चुके हैं, मीन्स राइट हैंड पार्ट में कंसोनेंट है वो वाले डजंट मैटर, क्यों स्ट्रिंग कंसीडर कब तक हो अप टू फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ नल, मीन्स इसका जस्ट लेंथ रिड्यूस कितने से हो चुका है, कितने कैरेक्टर रिमूव हो रहे इससे आई थिंक 3 और 2, इसलिए लेंथ भी कितने से रिड्यूस हो चुका है जस्ट 2 और 3 जो भी था, क्लियर, इस द फाइनल रिजल्ट, देन इस केस में आप रिटर्न क्या करा सकते हो नथिंग, मीन्स कोई भी वैल्यू रिटर्न कराने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिटर्न टाइप कुछ यूज कर सकते हो, रिटर्न टाइप मे बी नंबर ऑफ रिमूव्ड कंसोनेंट और सेम एरे, मीन्स आप पर डिपेंड करेगा, अगर आप चाहते हो इस केस में काउंट कराना कितने कंसोनेंट रिमूव हुए हैं, इसका रिटर्न टाइप क्या यूज कर सकते हैं इंटीजर, और रिटर्न के केस में जस्ट लूप के बाहर आप रिटर्न में राइट क्या करो रिटर्न करंट वैल्यू ऑफ जे क्लोजिंग दिस फंक्शन, देन टेस्ट करने के लिए जस्ट यूज क्या करेंगे मेन फंक्शन में अगेन सिंपल ऑपरेशंस हैं, सिंपली डिक्लेयरिंग कैरेक्टर एरे एंड रीडिंग इनपुट्स फ्रॉम अ कीबोर्ड, कैरेक्टर एरे का साइज यूज किया जाए कैर ए 100 मैक्सिमम साइज, देन इनपुट्स को रीड करने के लिए यूज क्या करेंगे गेट्स फंक्शन, देन कॉल किया हमने रिमूव फंक्शन रिमूव ए के अंदर जितने भी कंसोनेंट्स होंगे सारे के सारे कंसोनेंट्स रिमूव हो जाएंगे, देन अगेन मैंने डिस्प्ले कराया ओरिजिनल स्ट्रिंग, देन इस केस में ओरिजिनल स्ट्रिंग जब डिस्प्ले हुआ उसके अंदर कोई भी आपको सिंगल कैरेक्टर कंसोनेंट्स के फॉर्म में फाउंड नहीं हुआ, मीन्स इस टाइप से टेस्ट करना पॉसिबल। मोर केस कई बार आपको बोल दिया जाता है मीन्स कंसोनेंट्स रिमूव ना करा के आपको रिमूव क्या कराना है वोवेल्स, रिमूव क्या कराना है वोवेल्स, वोवेल्स रिमूव करने की चेक रिमूव करने के केस में एवरी टाइम आप चेक क्या करोगे चेक द गिवन कैरेक्टर वोवेल और नॉट, देन उस केस में इस पर्टिकुलर एरे के अंदर आप असाइन क्या कराओगे कंसोनेंट और वोवेल्स असाइन कराओगे, देन एवरी टाइम एक कंडीशन किसको चेक करेगा वोवेल्स के लिए, कंसोनेंट असाइन करो देन वर्क किसके लिए कंसोनेंट के लिए, सेम है डिजिट चेक करना है रिमूविंग ऑल डिजिट्स फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग, देन उस केस में आप असाइन क्या करा सकते हो डिजिट्स लाइक द 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स
अगेन याद रखना आपको लॉजिक चेंज करने की जरूरत नहीं, ओनली चेंज किसमें करोगे, एलिमेंट ऑफ एरे। अगर इसे एरे के अंदर सारे के सारे कंसोनेंट स्टोर हैं देन इसमें से सारे के सारे कंसोनेंट्स रिमूव होंगे, इसे केवल वही कैरेक्टर रिमूव होंगे जो इस एरे के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? अगर एरे में डिजिट्स हैं देन रिमूव ऑपरेशन किसके लिए अप्लाई होंगे, डिजिट्स के लिए। अगर एरे के अंदर वोवेल्स हैं देन मीन्स रिमूव ऑपरेशन किसके लिए अप्लाई होंगे, वोवेल्स के लिए। अगर एरे के अंदर ओनली अपर केस कैरेक्टर्स हैं देन उसके साथ रिमूव ऑपरेशन किसके लिए अप्लाई होंगे, ऑल अपर केस अल्फाबेट्स। अगर एरे के अंदर लोअर केस अल्फाबेट्स हैं देन रिमूव ऑपरेशन किसके लिए अप्लाई होंगे, ऑल लोअर केस अल्फाबेट। इस टाइप से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी टाइप के कंटेंट्स को रिमूव कराना पॉसिबल है। जो भी कंटेंट्स आप रिमूव करना चाहते हो, कंटेंट्स आप असाइन किसमें कराओगे, दैट कैरेक्टर एरे।